खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां बीती रात को दो बच्चों की हत्या कर दी गई, उसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। दूसरे समुदाय के युवक ने धारदार हथियार से दो बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद से नाराज भीड़ ने जमकर हंगामा किया, आगजनी की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में कत्ल के आरोपी को मार गिराया। घर वालों के मुताबिक आरोपी 5,000 रुपए मांगने के लिए घर पर आया था। वो घर में जाने के बाद ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। उस वक्त बड़ा बेटा भी आरोपी के साथ में था, वो बहला फुसला कर उसे भी ले गया। तभी उसने दूसरे बच्चे को पानी लेने के बहाने नीचे भेज दिया और तब तक बड़े बच्चे की हत्या कर दी। जब दूसरा बच्चा पहुंचा तो उसने उसे भी मार डाला। इस हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मकान की ऊपरी छत पर ले आया और जहां पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरे पीछे जो फैला खून उन्हीं दोनों मासूम बच्चों का है, यहां पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। गिलास पड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कि इसी गिलास से उसने पानी मंगाया था और जब छोटा जो बच्चा था आहान लेकर के आया तो उसका यहाँ पे कत्ल किया गया। किस तरीके से संघर्ष था, बच्चों की चप्पल यहाँ पर पड़ी है, एक भाई यहाँ पर था, दूसरी तरफ भी इस छत के दूसरे हिस्से में भी वहां पर भी खून पड़ा हुआ है, वहां पर भी लेकर के चलते हैं। ये एक दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर पूरे संघर्ष के निशान है, पाइप है, कप टूटे हुए पड़े हैं, खून के धब्बे हैं हर तरफ। ये खून का एक तरीके से फव्वारा दीवार पर है, यानी कि बेरहमी से पूरे छत पर बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके बाद साजिद उसी धारदार हथियार से दोनों बच्चों की हत्या के बाद परिवार का कहना है कि वो तीसरे बेटे आयुष की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन जब वो छत पर पहुंचा और उसने अपने दोनों भाइयों को खून से सना हुआ देखा तो वो भाग गया और नीचे परिवार वालों के बीच में उसने चिल्लाना शुरू किया। छत के ऊपर दोनों भाइयों के कत्ल के बाद से साजिद जब घर से भागा है, इसी सीढ़ी से नीचे जाते हुए भागा है, उसके बाद पुलिस ने इस घटना के कुछ ही देर में साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। सबसे बड़ी बात कि साजिद ने हत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। उस परिवार के चिराग को बुझा दिया जिस परिवार ने उसकी पत्नी के इलाज के लिए 5,000 रुपए भी दिए। वो 5,000 रुपए मांगने आया, संगीता ने 5,000 रुपए भी दिए, लेकिन अचानक वो दोनों बच्चों को छत पर ले आता है और बेरहमी से कत्ल कर देता है। बदायूं में दो मासूम भाइयों की हत्या का एक अकेला और छोटा भाई पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह है। आरोपी साजिद ने तीसरे मासूम पर भी हमला किया, लेकिन गनीमत यह रही कि वो बाल बाल बच गया। अब वो मासूम आंखों देखी बता रहा है। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने उससे बातचीत की। मासूम बच्चों की हत्या के वक्त अगर कहा जाए जो अकेला चश्मदीद था वो उनका भाई पीयूष था। पीयूष हमारे साथ है। बेटा पहले तो ये हाथ दिखाओ, ये चोट आपको कैसे, उसी ने मार दिया था? हाँ। है? हाँ। किसने मारा, कैसे मार दिया था, ये क्या हुआ था? जब मैं ऊपर गया तभी उन्होंने मेरा मुंह पकड़ लिया और तभी उन्होंने मेरे चाकू से हल्का सा कट लग गया, तभी मैंने उनको धक्का देकर मैं नीचे भागा। फिर मैं मम्मी पापा को बाहर ले आया और फिर बाहर से किवाड़ लगा दिया मैंने। वो अकेला साजिद था वहाँ पर? नहीं, दोनों दोनों थे, साजिद जावेद दोनों भाई थे। ऊपर कौन था? ऊपर मैं दोनों छोटे, सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले भाई थे। अच्छा, आपको क्या बोला था, कुछ लेने के लिए भेज दिया था उसने साजिद ने? मुझे कुछ नहीं भेजा, मैं छोटे और मेरे सबसे बड़े वाले भाई से चाय, अब मैं सबसे बड़े भाई से पहले चाय मंगाई, फिर मैं छोटे भाई को पानी लेने के लिए भेज दिया, मैं बड़े वाले भाई को मार दिया, फिर छोटा वाला भाई जैसे ही आया उसको भी मार दिया। फिर आप ऊपर मैं क्या सुन करके, कोई चीख पुकार सुन करके गए थे ऊपर? हाँ, मेरा भाई चीखा था, सबसे छोटा वाला चीखा, तभी मैं ऊपर गया। अच्छा, तब आपने देखा तो क्या देखा, वो जो क्या कर रहा था साजिद? नहीं, वो मार चुका था, वो किवाड़ बंद कर रहा, तभी उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे भी मारने की कोशिश करी, मैं तभी उनको धक्का देकर मैं जब कट मार दिया और मैं नीचे तभी भाग आया था।